तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट पे, मतलब जो IPv4 में हमारे पास क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो हम यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास कितने पार्ट या कितने ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के होते हैं और कितने ऑक्टेट जो है वो होस्ट के होते हैं। जैसे कि आईपी के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आईपी होता है वो हमारे दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक होता है नेटवर्क का पार्ट, एक होता है होस्ट का पार्ट। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कौन सा पार्ट या कितना पार्ट हमारा नेटवर्क का होता है और कितना पार्ट हमारा होस्ट का होता है, क्लास ए में, क्लास बी में और क्लास सी में। तो लास्ट के हमने कई सारी वीडियो में कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है आईपी के। जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूं आईपी के ऊपर कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो हमने आईपी के बारे में देखा है कि आईपी क्या होता है, प्लस डिफरेंस देखा है IPv4 एंड IPv6 में, और हमने यहाँ पे ये देखा है कि IPv4 के किसी भी ऑक्टेट में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी देखा है कि जो पब्लिक एड्रेस एंड प्राइवेट एड्रेस जो होता है हमारे पास IPv4 में, पब्लिक एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, तो इन सारी चीजों पे हमने क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क बिट प्लस होस्ट बिट पे कि किसी भी क्लास में नेटवर्क की कितनी बिट होती है और होस्ट की कितनी बिट होती है और इनका यूज क्या है नेटवर्क और होस्ट बिट का। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्किंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं IPv4 की बात करूं तो IPv4 में हमारे पास कितनी क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं। जैसे कि हमने IPv4 के क्लासेस वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया है कि IPv4 में हमारे पास 5 क्लासेस हैं, जिसमें से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी को हम यूज करते हैं, बाकी क्लास डी और क्लास ई क्या है, रिजर्व है। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है और क्लास ई किसके लिए रिजर्व है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। अगर आपने क्लासेस वाला वीडियो देखा होगा तो आप जरूर इसका आंसर दे दोगे। तो अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लास ए है, ओके, सो क्लास ए, क्लास बी थोड़ा दूर दूर लिखते हैं जैसे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, क्लियर से देखे ये सारी चीजें जो हैं, और क्लास सी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि आईपी जो होता है वो हमारे पास दो पार्ट से मिलके बनता है, एक होता है नेटवर्क का पार्ट प्लस एक होता है होस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास ए में, सो देखो यहाँ पे जो आईपी जो होता है उसमें हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जैसे हम ऑक्टेट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पार्ट में हमारे पास 8 बिट होती हैं। सो यहां पे एक पार्ट होता है नेटवर्क का, बाकी 3 पार्ट किसके होते हैं, हमारे होस्ट के। एक पार्ट होता है नेटवर्क का, बाकी 3 पार्ट किसके होते हैं, होस्ट के। N4 क्या है, N4 है हमारा नेटवर्क। NH4 क्या है, एंड अगर मैं H4 की बात करूं तो H4 है हमारा होस्ट, ठीक है। सो जहां पे हमने N लिखा है उसका मतलब नेटवर्क है, जहां पे मैंने H लिखा है उसका मतलब हमारा होस्ट है। तो क्लास A में एक ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होता है, बाकी 3 ऑक्टेट हमारे किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। क्लास B में अगर मैं बात करता हूं तो क्लास B में हमारे पास 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और 2 ऑक्टेट किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। So, यहाँ पे नेटवर्क का एक ऑक्टेट कैपिटल एन बनाते हैं और यहां पे भी, और 2 पार्ट किसके हमारे, होस्ट के हैं, ओके। एंड क्लास सी में आते हैं, क्लास सी में हमारे पास क्या है, 3 पार्ट नेटवर्क के होते हैं, और एक पार्ट हमारा किसका होता है, होस्ट का होता है। तो क्लास ए में एक पार्ट नेटवर्क का होता है, 3 पार्ट होस्ट के होते हैं, क्लास बी में हमारे पास 2 पार्ट नेटवर्क के होते हैं और 2 पार्ट किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। क्लास सी में सेम ऐसे ही है कि 3 पार्ट नेटवर्क के और एक पार्ट किसका है, होस्ट का है। तो यहाँ पे एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है, जैसे कि हमें पता है एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट है, 8 बिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, ओके। सो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड
फोर्थ ऑक्टेट। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये बताओ मुझे नेटवर्क की बिट कितनी है और होस्ट की बिट कितनी है, सो कैसे बताओगे? देखो एक पार्ट नेटवर्क का है, तो नेटवर्क की बिट कितनी हुई हमारे पास, नेटवर्क की बिट हुई हमारे पास 8। नेटवर्क बिट कितनी हुई हमारे पास 8, क्योंकि हमारा एक ही पार्ट तो नेटवर्क का है। और अगर होस्ट की बात करता हूं मैं, होस्ट हमारे पास कितना है, होस्ट की बिट कितनी होगी हमारे पास, तो यहां पे हम ऐड करेंगे 8 + 8 = 16 + 8 कितना होगा हमारा 24। तो होस्ट की बिट हमारे पास कितनी होगी 24। देखो यहां पे एक पार्ट हमारा नेटवर्क का है तो नेटवर्क बिट कितनी हुई 8, तीन पार्ट हमारे होस्ट के हैं तो होस्ट बिट कितनी हुई 24। सो सेम क्लास बी में हमारे पास नेटवर्क बिट कितनी होगी हमारे पास 16। नेटवर्क की बिट कितनी होगी हमारे पास 16, क्योंकि 8 + 8 कितना होगा 16, 8 बिट इस पार्ट का और 8 बिट इस पार्ट का, तो कितना होगा 16। और होस्ट बिट कितनी होगी हमारे पास 16। यहां पे नेटवर्क बिट कितनी है, क्या होगी नेटवर्क बिट हमारी 24, क्योंकि यहां पे तीन पार्ट हमारे नेटवर्क के हैं तो 8 + 8 = 16 + 8 = 24। और होस्ट कितना होगा हमारे पास 8 बिट, होस्ट कितना होगा हमारे पास 8 बिट। ओके सो यहां पे देखो नेटवर्क और होस्ट बिट का मतलब क्या है, बिट हमने पहले ही बताया था, बिट हमारा क्या होता है 1 और 0। 1 0 हमारा क्या होता है बिट, और 1 को हम बोलते हैं क्या नेटवर्क बिट, 1 को क्या बोलते हैं हम नेटवर्क बिट, और 0 को हम क्या बोलते हैं होस्ट बिट, 0 को हम क्या बोलते हैं होस्ट बिट बोलते हैं। तो मतलब 8 बिट नेटवर्क का मतलब क्या है, यहां पे 1111 कितने बार है 8 बार, और यहां पे 00 कितने बार है 24 बार। ठीक है, मतलब यहां पे 8 का मतलब क्या है, यहां पे 1 1 जो है हमारे पास कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, और होस्ट कितने टाइम्स है 24 टाइम्स। ओके सो यहां पे 16, सेम यहां पे भी 16 है कि नेटवर्क बिट, जैसे यहां पे 8 है वैसे यहां पे नेटवर्क बिट कितनी है 16, तो 1 1 हम कितने बार लिखेंगे 16 बार, और यहां पे होस्ट कितने बार, 0 0 कितने बार लिखेंगे 16 बार या 16 टाइम्स। सेम यहां पे 24 टाइम्स हम क्या लिखेंगे 1 1 लिखेंगे, और 8 टाइम्स हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ओके सो यहां पे देखो नेटवर्क और होस्ट मतलब बता क्या रहा है, एक्चुअल में है क्या, अब देखो अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंपल सा फॉर्मेट बताऊं कि नेटवर्क और होस्ट है क्या, अगर हमें 2 PC को कम्युनिकेट कराना है तो उनके नेटवर्क बिट सेम होनी चाहिए। ओके जैसे हमें अगर 2 PC है हमारे पास, उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, अगर हमें उन्हें कम्युनिकेट कराना है तो नेटवर्क बिट हमारे पास क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और होस्ट बिट डिफरेंट होनी चाहिए। देखो अगर दोनों पार्ट सेम हो गए, जैसे नेटवर्क पार्ट भी सेम हो गया और होस्ट पार्ट भी सेम हो गया, तो क्या होगा, तो फिर आईपी सेम हो जाएगी ना दोनों की, तो और आईपी सेम हो नहीं सकते है, क्योंकि वो क्या है एक यूनिक एड्रेस है, मतलब इस नेटवर्क में जो किसी पीसी को साइन कर रखा है वो किसी दूसरे पीसी को आईपी असाइन नहीं कर सकते हो तुम, तो नेटवर्क पार्ट सेम होना चाहिए और होस्ट पार्ट क्या होना चाहिए हमारा डिफरेंट होना चाहिए। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पब्लिक प्राइवेट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्लास ए में जो प्राइवेट की रेंज है वो कहां से है, वो 10 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर मैं प्राइवेट की रेंज की बात करूं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लास ए में जो हमारे पास प्राइवेट की रेंज है वो कहां से स्टार्ट है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। ठीक है 10.0.0 से लेके 10.255.25 ये प्राइवेट की रेंज है। सो यहां पे क्लास ए से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, जैसे कि हमने कोई एक आईपी लिखी जो क्लास ए से बिलोंग करती है, जैसे कि 10.1.1.1। ओके सो ये क्लास ए से बिलोंग करता है, तो उसमें नेटवर्क का कितना ऑक्टेट होगा, 1 ऑक्टेट नेटवर्क का होगा।
बाकी तीन किसके होंगे? होस्ट के होंगे। तो मतलब यहां पे अगर हम किसी दूसरे पीसी को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो पहला ऑक्टेट हमारा सेम होना चाहिए, मतलब पहले ऑक्टेट में 10 होना चाहिए, बाकी तुम तीन ऑक्टेट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, वो कम्युनिकेट कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, कम्युनिकेट कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूं, हमारे पास दो पीसी हैं, एक पीसी ये है और एक पीसी हमारे पास ये है, इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पीसी को आईपी असाइन करते हैं 10.10.1.1 और इस पीसी को हमने असाइन किया 10.9.1.2। अब कुछ देर के लिए मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर बताओ, ये कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, पहले सोचो खुद से, फिर मैं बताऊंगा इसको कि इस पीसी को मैंने आईपी दी है 10.10.1.1 और पीसी 2 को हमने जो आईपी दी है वो 10.9.1.2, तो क्या ये दोनों पीसी कम्युनिकेट करेंगे? जिनके दिमाग में चल रहा है हाँ कम्युनिकेट करेंगे, वो बिल्कुल सही है। क्यों करेंगे? क्योंकि क्लास ए से बिलोंग कर रहा है और क्लास ए में हमारे पास कितना ऑक्टेट नेटवर्क का है, एक ऑक्टेट, और होस्ट का कितना ऑक्टेट है हमारा, तीन। सो यहां पे आते हैं फिर से अपने एग्जांपल पे, तो यहां पे एक ऑक्टेट नेटवर्क का है, बाकी तीन किसके, हमारे होस्ट के। सेम यहां पे भी, ये भी क्लास ए से बिलोंग करता है, नेटवर्क का एक ऑक्टेट, होस्ट के हमारे पास कितने ऑक्टेट है, तीन। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि नेटवर्क वाला जो पार्ट है वो हमारा सेम होना चाहिए और होस्ट वाले पार्ट को हमें डिफरेंट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर हमारे पास दोनों पार्ट सेम हो गए तो आईपी सेम हो जाएगी ना हमारी। सो यहाँ पे क्या है, नेटवर्क वाला पार्ट तो हमारा सेम है ना, यहाँ पे भी मैंने नेटवर्क वाले पार्ट में 10 लिख रखा है और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख रखा है, 10 लिख रखा है। तो नेटवर्क वाला जो पार्ट है वो हमारा सेम है, चेंजेस कहां पे है, होस्ट वाले पार्ट में, और होस्ट वाले पार्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। सो इस वजह से क्या कर सकता है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं 10 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूं, 9 लिख दूं, या मैं 11 लिख दूं, या मैं 10 की जगह पे कुछ भी लिख दूं, फिर ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका नेटवर्क वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और हम सेम नेटवर्क से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्लास बी में कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्लास बी में हमारे पास कितने पार्ट नेटवर्क के हैं, दो पार्ट, और होस्ट के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। सो यहां पे क्या है, अब हम यहां पे आते हैं एग्जांपल पे। सपोज दैट हमने इस वाले पीसी को आईपी दे रखी है 172.16.1.2। सो सपोज दैट हमने इस वाले पीसी को आईपी दे रखा है 172.16.9.10। तो अब ये पीसी कम्युनिकेट करेंगे आपस में, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये क्लास बी की आईपी है हमारे पास। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्लास बी में हमारे पास दो ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और दो ऑक्टेट किसके होते हैं, होस्ट के। तो नेटवर्क वाला जो पोर्शन है वो तो हमारा सेम ही है, बस डिफरेंट हमने या चेंजेस हमने कहां पे किया है, होस्ट वाले पोर्शन में। तो होस्ट वाले पोर्शन में तो हमें चेंज करना ही है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट कब नहीं करेंगे? अगर मैं इसको आईपी असाइन कर दूं 172.15.2.10, अब ये जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो इसका मैं एग्जांपल बताऊं क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पे एक पार्ट हमारा नेटवर्क का हो गया, एक पार्ट नेटवर्क का हो गया, अगेन एक और पार्ट नेटवर्क का है, बाकी दो पार्ट हमारे किसके हैं, होस्ट के हैं, क्योंकि क्लास बी की आईपी है। सेम यहां पे दो पार्ट नेटवर्क के और दो पार्ट हमारे किसके हैं, होस्ट के हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क वाला जो पोर्शन है वो सेम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 16 लिख रखा है और यहाँ पे कितना लिख रखा है, 15। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर इनको कम्युनिकेट कराना है, जैसे कि हमें दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, फिर उसके लिए हमें राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये हमने राउटर वाले वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से कि राउटर का क्या यूज है, मतलब लेयर 3 के
डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो राउटर भी हो सकता है, वो तुम्हारा लेयर थ्री का स्विच भी हो सकता है, या लेयर थ्री से भी जितने ऊपर डिवाइस है जैसे फायरवॉल है, तो फायरवॉल भी ये तुम्हारा चीज करा सकता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। ओके सो यहाँ पे क्या है, अगर हमें दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, फिर मुझे बीच में एक डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं राउटर। राउटर का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना। अब एक और मैं एग्जांपल देता हूं, अच्छा सा एग्जांपल होगा 192.168.10.1। इस वाले पीसी को हमने क्या आईपी दे रखी है, 192.168.10.1, और इस वाले पीसी को हम क्या आईपी दे रहे हैं, 192.168.20.2। तो अब ये कम्युनिकेट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ देर में रुकता हूं, आप सोचो अपने मन में क्या ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके सो चलो देखते हैं, ये हमारे क्लास सी की आईपी एड्रेस है ना, तो क्लास सी में हमारे पास कितने पार्ट नेटवर्क के होते हैं और कितने पार्ट होस्ट के होते हैं। सो क्लास सी में हमारे पास तीन पार्ट नेटवर्क के होते हैं और एक पार्ट किसका होता है, होस्ट का होता है। सेम यहां पे तीन पार्ट नेटवर्क के होते हैं और एक पार्ट किसका होता है, होस्ट का होता है। ओके सो यहां पे हमारे पास क्या नेटवर्क के पार्ट सेम है, नहीं है। क्यों, यहां पे 192, यहां पे भी 192, ठीक है सेम है, 168 सेम है, बट यहां पे क्या है 10 और यहां पे क्या है 20, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सो इस वजह से ये पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा सेम होना चाहिए, अगर हमें नॉर्मली दो पीसी को कम्युनिकेट कराना है तो उनका जो नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर हमें दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है फिर हमें राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके सो यहां पे ये नेटवर्क बिट और होस्ट बिट है, बट इनको डिफाइन कौन करता है क्लास ए में, कि तुम्हारे पास इतनी नेटवर्क बिट है, तुम्हारे पास इतनी होस्ट बिट है, तुम्हारे पास इतनी नेटवर्क बिट है, इतनी होस्ट बिट है, ये डिफाइन करता है सबनेट मास्क, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि सबनेट मास्क हमारा क्या होता है। ओके आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, नहीं हुई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके वहां पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको वहां पे भी बता दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबनेट मार्क्स के ऊपर कि सबनेट मार्क्स क्या होगा, यहीं से वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा सबनेट मार्क्स निकालने में। ओके सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।